नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पिछले क्लास में ज्योमेट्री में आपको पॉइंट्स के बारे में सिखाए थे, आपको लाइन सेगमेंट के बारे में सिखाए थे, और हम लोग जाने थे कि कितने प्रकार के लाइंस होते हैं। आज हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे। ज्योमेट्री लाइन्स एंड एंगल आपका चल रहा है। तो अब इसमें हम लोग जानेंगे कि पिछले दिन हम लोग लाइंस के बारे में काफ़ी अच्छा डिटेल आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। आज आपको एंगल्स के बारे में डिटेल बताया जाएगा। तो हम लोग आज एंगल्स पढ़ेंगे। एंगल, एंगल को आप हिंदी में कोण कह सकते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एंगल होता क्या है? तो देखिए, जैसे कि हम लोग दो रेखा ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग ए ले लेते हैं, नाम दे देते हैं, इसको हम लोग ओ नाम दे देते हैं, और इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो एक लाइन ओ ए है, एक ओ बी है, और इनके बीच में एक एंगल्स बनता हुआ आपको दिखाई देगा, इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। मान लीजिए ये कोण क्या हो गया, थीटा मान लेते हैं, तो इसी को कोण बोला जाता है। कि एंगल क्या होता है, तो इसको एंगल बोलेंगे कि ये कोण है। तो आप ये भी यहाँ समझ सकते हैं इसको कैसे लिखा जाता है, हम आपको बता रहे हैं लिखा कैसे जाता है। जैसे कि यहाँ लिखेंगे, जैसे ये कोण को हमको बताना है, नाम देना है, तो नाम देने का तरीका है कि जिसको जिस कोण के बारे में हम लोग को बताना होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ बताना है तो ओ बताना है, तो ऐसे लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी। देखिए बीच में रख रहे हैं ओ को, ए ओ बी, तो ये आ जाएगा। ये कोण के बारे में हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी क्या है, थीटा है। अगर आप चाहें तो इस तरफ से भी नाम दे सकते हैं कि एंगल बी ओ ए, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल बी ओ ए, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ये भी थीटा ही होगा। जिस कोण को हमको यहाँ देखाना है, यहाँ हमको ये शो करना है, तो इसको बीच में रखें। देखिए इसमें भी ओ बीच में है, इसमें भी ओ बीच में है। तो आप चाहें तो इसी कोण को आप ए ओ बी भी बोल सकते हैं, और इसी कोण को आप बी ओ ए भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, कितने तरह के एंगल होते हैं। ये एंगल्स के बारे में जानकारी थी आपको, और आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। धीरे 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 आपको ज्योमेट्री का बेसिक आपको कंप्लीट हो जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे आज फिर टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। तो कितने तरह के कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं आपको फर्स्ट नंबर में एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो अगर हम लोग बात करें कि एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून न्यून कोण भी बोला जाता है, न्यून कोण भी बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक्यूट एंगल होता क्या है। तो जैसे कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस तरह का एंगल बनाना है, 90 से छोटा होता है ये, और 0 से बड़ा। इसका मतलब आप देखिएगा, ये जो यहाँ मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को, तो इस जिसको अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, आप चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं। जैसे नाम दे सकते हैं, ये ए है, ये ओ ले लीजिए, ये आपको बी ले लीजिए। तो आप कह सकते हैं
कि ये जो थीटा है आपको दिख रहा होगा कि 90 से कम है। क्यों 90 से कम है? क्योंकि एकदम ये स्ट्रेट आता है ना, ये वाला ये देख रहे हैं, ये एकदम स्ट्रेट आएगा तो ये 90 कहलाएगा, ये स्ट्रेट आएगा तो ये पूरा 90 कहलाएगा, तो ये तो 90 से कम है। तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 से कम है, तो यहाँ तक आता तो 90 कहलाता, तो 90 से कम होता है और 0 से बड़ा होता है। तो आप कह सकते हैं कि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता क्या है? तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि यहाँ जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि न्यून कोण क्या है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो थीटा न्यून कोण होता क्या है, तो ये जो थीटा है यहाँ न्यून कोण हम बोला जा रहा है, तो ये जो थीटा होगा ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से ये छोटा है, तो इसी को बोला जाता है न्यून कोण, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब हम लोग आगे बात करेंगे अब समकोण का, ये मिटाया जाएगा। अगला देखिए, ये पहला था, आपको 6 तरह के एंगल बताए जाएंगे। पहला था, अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पे कि दूसरे नंबर पे क्या जाएगा। तो आप लोग अभी पढ़े एक्यूट एंगल, अब हम लोग पढ़ रहे हैं राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल को क्या बोला जाता है हिंदी में? इसको आप समकोण बोल सकते हैं, हिंदी में समकोण, समकोण। तो राइट एंगल के बारे में आप जानिए कि ये कैसा होता है, राइट एंगल कैसा होता है। तो ये काफी आसान चीजें समझना है बस। ये पूरा पूरा देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे पूरा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों रेखा के बीच में पूरा क्या बन रहा है, 90 एकदम सीधा है। ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये वाला कोण, ये आपको कोण कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो कोई आपसे बोले कि राइट एंगल क्या होता है, तो वो एंगल जो 90 डिग्री का हो, वैसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग कहेंगे समकोण। तो समकोण कुछ भी नहीं होता है, 90 डिग्री एंगल को समकोण कहा जाता है। आप कह सकते हैं यहाँ थीटा जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इस चीज़ को आप कह सकते हैं। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, आप ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आएगा। अगला बात करते हैं, ये राइट एंगल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर कोण पे, एंगल पे। अब हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल पे बात करते हैं, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में आप जानते होंगे क्या बोला जाता है, अधिक कोण बोला जाता है। इसको हिंदी में अधिक कोण बोला जाता है। तो ये अधिक कोण जो बोला जा रहा है, इसमें अधिक कोण क्या होता है? तो अभी आपने देखा कि एक तो देखा जो 90 से छोटा है क्यूट, अब देखे आपने समकोण जो 90 था, अब आप देख रहे हैं ऑब्ट्यूस, ये 90 से बड़ा होता है। देखिए कैसे, 90 से बड़ा होने का मतलब क्या है, देखिए ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये जो एंगल ये 90 से बड़ा है और 180 से ये छोटा होता है। देखिए अगर ये एकदम सीधा होता है, एकदम ऐसे सीधा होता लाइन, तो बनता है यहाँ 90। अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन रहता तो यहाँ 90 बनता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन से, ये सीधा लाइन से भी इधर है, इसका मतलब ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा। तो ये वाला जो एंगल है, इसको मान लीजिए आप अगर मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ आपको समझना होगा कि जो थीटा होता है यहाँ 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से थीटा बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि अधिक कोण क्या होता है। तो एक ऐसा थीटा, एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से
छोटा हो, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि अधिक कोण क्या होता है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे स्टेट एंगल। स्टेट एंगल देखेंगे कि स्टेट एंगल क्या होता है। चार नंबर स्टेट एंगल, ये भी काफी आसान है कि स्टेट एंगल क्या होता है। आप इसको हिंदी में, इसको स्टेट एंगल से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदी में इसको आप सीधा कोण बोल सकते हैं, सीधा कोण, और चाहे इसको और हिंदी में बोला जाता है सरल सरल कोण, और कभी कभी आपको इसको हिंदी में रिजु कोण भी बोल देता है, रिजु कोण। देखिए रिजु कोण हिंदी में कुछ भी बोल देता है, इसमें से कभी आपको सीधा कोण बोलेगा, कभी आपको सरल कोण बोलेगा और कभी आपको रिजु कोण बोलेगा। तो स्टेट एंगल, इस स्टेट एंगल इंग्लिश में बोल लीजिए, हिंदी में आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, एकदम सीधा, मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट ले ले रहे हैं, मान लीजिए ये ए ले लीजिए, ये ओ ले लीजिए और ये मान लीजिए बी ले लीजिए, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पूरा आप जो देख रहे हैं इसी को बोलेगा स्टेट एंगल, और ये जो पूरा होता है, ये जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एक लाइन पे, एक लाइन पे पूरा ऊपर की तरफ कितना 180 बनता है, तो इसी को स्टेट एंगल बोलता है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ जो थीटा होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आप ये चीज़ को कह सकते हैं। एंगल यहाँ जो, यहाँ एंगल जो बना है वो 180 डिग्री है, तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटाया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा, इसको बोलता है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इसको हिंदी में बृहत कोण बोलते हैं। आप लोग अगर ध्यान से सीखेंगे तो एक एक टॉपिक ज्योमेट्री का इतना अच्छे से आपको बता दिया जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप केवल ध्यान से सुनिए, हर टॉपिक को समझिए, इसको हिंदी में बृहत बृहत कोण, और इसको कभी कभी आपको बहुत जगह ऐसा दिखेगा प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण भी बोलता है हिंदी में। अगर आप देखेंगे बृहत कोण होता क्या है, तो बृहत कोण आपको समझने के लिए यही समझना होगा, ये 180 से बड़ा होता है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए ए ले लेते हैं पॉइंट, ये ओ ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, तो यहाँ जो बन रहा है आप देखेंगे ये 180 से क्या है, बड़ा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये अगर सीधा रहता, ये यहाँ ये सीधा रहता ये वाला, तो यहाँ तक ही रहता अगर, तो ये 180 कहलाता, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये एकदम नीचे तक आ गया, ये देखिए, तो 180 से ये ज़्यादा है। और ये जो कोण होता है, मान लीजिए इसको थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ जो थीटा होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है थीटा, और 360 डिग्री से छोटा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि जो बृहत कोण होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा। तो इसमें बस ये टॉपिक है छोटा छोटा, आपको बस समझते चलना है, ये सब टर्म यूज होंगे आने वाले दिनों में, हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो इस सब का यूज होगा, तो इस चीज़ को आप लिख ले। अब छठा लास्ट कोण में,
हम लोग अब पांच नंबर टॉपिक सीखेंगे, पांच नहीं छः सॉरी, छठा, छठा टाइप। ये लास्ट है आपका टाइप ऑफ कोण में, इसको बोलता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। तो ये कंप्लीट एंगल क्या होता है, अब इस पर हम लोग ध्यान देंगे। इसको हिंदी में पूर्ण पूर्ण कोण, पूर्ण कोण भी बोलते हैं, इस चीज को आप समझ लेंगे। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो ये पूरा, जैसे कि आप यहां देखें, कंप्लीट एंगल का मतलब है मान लीजिए एक पॉइंट यहां ले रहे हैं तो ये पूरा घूम जाएगा, ये पूरा 360 डिग्री ये पूरा टच करेगा। आप कह सकते हैं कि पूरा 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल। तो आप यहां कह सकते हैं कि यहां जो थीटा होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री कोण को ही हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, जो कोण 360 डिग्री का होगा। इस चीज को लिख लीजिए। अब कुछ टॉपिक और आपको टर्म सिखाते हैं, कंप्लीट कीजिए इसको, आप लोग लिख लीजिए। तो टाइप ऑफ एंगल आप देख लिए, अब हम लोग कुछ और टॉप टर्म देखते हैं कि और क्या क्या हमारे टर्म में यूज होता है। जैसे कि अब हम लोग सीखेंगे इसमें एंगल्स पे ही आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिन हम लोग लाइंस पे बात कर चुके हैं, तो आज हम लोग एंगल्स पे बात करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्लास, आप केवल आप मन लगा के सुनिए, पेशेंस से सीखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तो अब हम लोग सीखेंगे एक टॉपिक बोलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में आप शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं, शीर्षा शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं। विमुख कोण, अच्छा है, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हिंदी में आपको काफी ज्यादा, आप अंग्रेजी भी ध्यान दीजिएगा, इस तरह आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये विमुख कर लीजिएगा, विमुख कोण। अब देखिए आपको इसमें सिखाते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। जब दो रेखा, जैसे मान लीजिए एक रेखा ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ए बी एक रेखा है और एक और रेखा ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ये बी है ना, इसका नाम हम लोग सी डी दे देते हैं, ये सी और ये डी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नाम हम लोग लेते हैं ओ। तो ध्यान दीजिए इसको समझना क्या है, देखिए यहाँ पे एक ए बी एक रेखा है, यहाँ सी डी एक रेखा है, और ये दोनों रेखा जो है आपको एक बिंदु एक पॉइंट पे कट रहा है, ओ पे कट रहा है। तो बस यहाँ ध्यान देना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है क्या, आप देखिए कहता है क्या कि ये जो अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो कहता है ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ये यही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मतलब ये और ये इक्वल होता है और ये दोनों वर्टिकल, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ कि यहाँ कह सकते हैं आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या, तो आप कह सकते हैं ये कोण और ये कोण, इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट बोला जाता है। मतलब आप यहाँ लिख भी दे रहे हैं और इक्वल होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों होता है हम बता रहे हैं आपको, यहाँ आपको हम लिख दे रहे हैं आपको कि एंगल ए ओ डी बराबर होता है एंगल सी ओ डी के, सी ओ डी के, सी ओ डी के। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ये बराबर होता है, क्यों होता है, हम लोग इस पर बात कर लेंगे कि ये बराबर ही क्यों होता है। यही दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कराता है, ए ओ डी, इसका मतलब ये वाला का बात किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो सी
ओ यहाँ बी होगा, सॉरी यहाँ बी होगा, सी ओ बी, मतलब इसका बात कर रहे हैं हम लोग, सी ओ बी इसका बात कर रहे हैं, ये वाला का, ये दोनों बराबर होता है और इसी को वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। तो अब आप समझिएगा क्यों, अगर हम लोग देखें कि ये अगर थीटा होगा, तो अगर हम लोग बात करें कि इसके बाजू वाला एंगल, देखिए किसी और कलर से लिख देते हैं आपको अच्छा लगेगा, कि ये अगर थीटा होगा तो ये जो एंगल देख रहे हैं ये वाला, ये क्या होगा, तो ये पता है आपको क्या होगा, 180 माइनस थीटा। अच्छा ये क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन, इस पूरे लाइन के एक लाइन है सीधा, तो एक लाइन पे पूरा जो बनता है वो क्या बनता है आपको, 180 डिग्री बनता है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। उसी तरह आप समझिए कि अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। आप इसके नीचे देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे ये दोनों मिलके 180 हो रहा है, इसका मतलब ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। और उसी तरह अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो आप इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं, ये वाला एंगल तो कैसे समझ में आएगा कि ये इतना होगा, क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो आप समझिए यहाँ दो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एक तो आपको ये समझना होगा कि ये वाला कोण, ये वाला जो है और ये वाला, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाता है और ये बराबर होता है। उसी तरह सेम वे में आप इस चीज़ को समझिए कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल दिख रहा है और ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है और ये दोनों भी बराबर होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ एक चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल डी ओ बी के, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि ए ओ सी बराबर होगा एंगल डी ओ सी, ये दोनों भी बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इतना है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, लिख लीजिए। एक टॉपिक और आपको बताते हैं इसमें, मिटा रहे, एक लास्ट टॉपिक आपको इसमें और सिखा रहे हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे चीज़ें, धीरे धीरे आपको हर चीज़ करा दिया जाएगा, आपको समझ में पूरा आएगा। और ये सब अगर आप नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आगे, तो ये सारे टर्म आपको सीखने होंगे, समझने होंगे। अब हम लोग सीखेंगे एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। इसको हिंदी में आसन कोण बोलते हैं, आसन कोण क्या होता है, तो इस चीज़ को एक काफ़ी अच्छा सा, आसन कोण को अगल बगल के कोण भी बोला जाता है, अगल बगल पड़ोस वाला। जैसे कि इसमें होता है क्या, देखिए एक मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन खींच ले रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये ए नाम दे दे रहे हैं, इसको बी नाम दे दे रहे हैं। मान लीजिए कहीं भी यहाँ पे, कहीं भी आप एक पॉइंट बना लीजिए ओ, और यहाँ से एक लाइन इधर तरफ खींच दीजिए। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मान लीजिए ये थीटा है, और ये आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये आपको मान लेते हैं ये अल्फा है, तो इसी को बोला जाता है आसन कोण। आसन कोण का मतलब अगल बगल वाला कोण, मतलब यहाँ इसके बगल में देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे, ये थीटा ये अल्फा, तो हम लोग कह सकते हैं, कोई कहे कि आपको एडजेसेंट एंगल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन कोण, इसको आप डी नाम दे दीजिए। तो आप बोल सकते हैं यहाँ कि ये दोनों को, यहाँ देखिए लिख भी दे रहे हैं, ये यहाँ ओ होगा, एक छोटा सा ओ बना देते, ये वाला पॉइंट को ओ है, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों जो कोण है, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन कोण। आसन कोण बोलते हैं ये अगल बगल वाले कोण को, तो इसको आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। लिख लिए होंगे आप लोग, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक रहेगा, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।